फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रदीप कुमार और मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मात्र चाय जीएस एकेडमी। ठीक है, अभी जो हम बात कर रहे हैं लगातार एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इनके साथ साथ जो है हर जब सब्जेक्ट चल रहा है तो हम यूपी स्पेशल के जो है टॉपिक जो है लगातार इनकी भी जो है थ्योरी और एमसीक्यू कराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो पीसीएस का मेंस होगा तो उसमें जो है क्या होगा, तो दो पेपर जो ऑप्शनल थे उस सब्जेक्ट को हटा करके कहीं ना कहीं पीसीएस लागू करने की जो है मांग की गई थी। ठीक है, तो क्या होगा, इसका फाइनल अभी आना भी है लेकिन पेपर हटा दिए गए। तो हमको जो है पीसीएस में अगर जो मेंस लिखना है तो कहाँ से लिखेंगे, उत्तर प्रदेश या यूपी स्पेशल की हमको जो क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो उसी जानकारी के लिए एक थ्योरिकल जो है छोटे छोटे पार्ट में जो है लगातार डाल रहे हैं। ठीक है, तो जो है हम बात करेंगे। इससे पहले अगर जो आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन है आपके, जो आप चाहें तो उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं और जहाँ से नई कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप जो है कॉल भी कर सकते हैं, बाकी जो है इस कैमरे से भी कर सकते हैं, अब इच्छा आपकी है। ठीक है, मैं तो इतना ही कहूँगा कि जब आप मेरे हौसला बढ़ाएंगे तो क्लासें और आएंगी। ठीक है, लगातार क्लासें आएंगी। ठीक है, चलो हाँ, आज हम जो बात करेंगे बहुत इम्पोर्टेंट है, यूपी की हिस्ट्रिकल जो है स्टडी की बात करेंगे। ठीक है, एक ऐतिहासिक अध्ययन की बात करेंगे, ऐसा पार्ट जो कहीं ना कहीं हिस्ट्रिकल से है। ठीक है, तो हिस्ट्रिकल वहां से होगा जहां से पृथ्वी की शुरुआत हुई। भाई अगर जो बात करेंगे इतिहास की शुरुआत कहां से हुई, तो जहां से पृथ्वी की शुरुआत हुई, इंसान की शुरुआत हुई, वही हिस्ट्री है। भाई हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो तीन पार्ट में पढ़ते हैं, एक प्राचीन प्राचीन इतिहास है, मध्य इतिहास है, आधुनिक इतिहास है। तो कहीं ना कहीं ऐसे उत्तर प्रदेश का भी पार्ट होगा। ठीक है, तो वो ज्यादा डिटेल से थ्योरी जो है अलग पढ़ेंगे, लेकिन इसमें जो है कौन सा राज, इसमें जो हम बात करेंगे तो पूछा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थल। ठीक है, पहले हम उत्तर की बात कर लेते हैं। ठीक है, इसमें भी उत्तर दक्षिण आपको देखना है। ठीक है, यही एमसीक्यू भी आगे जाके बनेंगे। ठीक है, ये मैप लगाया है, थोड़ा सा साफ नहीं आया होगा, लिखा है उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक स्थल कौन कौन से। ठीक है, तो अब ये एमसीक्यू भी आगे क्वेश्चन है, 27 है, बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे पीसीएस में आए हुए, उसमें डेटें भी लिखी हैं कौन सा क्वेश्चन कब आया। तो थोड़ा सा पहले इसको देख लेंगे, दो मैप लग गए हैं, थ्योरी की तो अलग बनेगी क्लास, एमसीक्यू की थी, लेकिन मैप लगे हैं तो थोड़ा इनको भी देख लेते हैं। पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम में जाइएगा, मिल जाएगी, या व्हाट्सएप में मुझे कनेक्ट करें या जोड़ें। ठीक है, सहारनपुर है, सहारनपुर उत्तर प्रदेश का हमने बात की थी उससे पहले, जो यूपी स्पेशल की क्लास डाल चुके हैं। ठीक है, तो वो थ्योरी की थी। तो सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, सहारनपुर। सहारनपुर जब जाएंगे हम घूमने, ठीक है, तो कहा है देवबंद एक स्थल है, दारुल उलूम संस्थान है। ठीक है, हुलास उत्तरी हड़प्पा स्थल है। ठीक है, ये जो है क्या है, तो ये हड़प्पा स्थल जो यहाँ से, यहाँ भी हड़प्पा स्थल के अंश पाए गए हैं, कहाँ पे, सहारनपुर में। ठीक है, अब दूसरा जो है आलमगीर, तो आपको पता ही होगा कि जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थान पूछ ले, या इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे ईस्ट पॉइंट पूछ ले, तो हमको कौन सा आता है, तो यही आता अगर सॉरी आलमगीर हड़प्पा का सबसे पूर्वी स्थान, और ये कहाँ था, किस नदी के किनारे था, तो नदी याद नहीं आ रहा है अभी, मैं बता दूंगा, उसके किनारे जो है गाजियाबाद है और ग्रेटर नोएडा है। ठीक है, बता दूंगा। फिर
जो है राज्य सहारनपुर की बात की थी, फिर उसके बाद मेरठ की कर रहे थे। तो मेरठ में क्या है, सरधाना बेगम मशहूर द्वार निर्मित चर्च है, ठीक है, और आलमगीर हड़प्पा का स्थल है, और जो है हस्तिनापुर, हस्तिनापुर की राजधानी, कौरवों की राजधानी थी। महाभारत जब देखते हैं तो उसमें क्या आता, हस्तिनापुर आता है। तो हस्तिनापुर कहाँ था, तो मेरठ में ही था, ठीक है। अब बात करते हैं शूरसेन, मथुरा की बात करें, एक-एक जिले की बात कर रहे हैं, ठीक है। शूरसेन जनपद, शूरसेन की राजधानी कहाँ थी, तो मथुरा थी। और द्वारिकाधीश, द्वारिकाधीश मंदिर अगर जो कभी आपको जाना हो, जब आप मथुरा जाएंगे तो द्वारकाधीश मंदिर जाएंगे, ठीक है। और बकरी अनुसंधान केंद्र का भी पूछ ले कहाँ है, तो मथुरा में। और सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो उड़ती है, जो ताजमहल को हरा हरा कर रही है, तो वो भी किसके कारण, यहाँ पे एक जो है स्थली में कहें तो क्या है, तेल अनुसंधान वाइन रेफरी है यहाँ पर, ठीक है। मथुरा की बात करें, एटा अतरंजी खेड़ा है भैया। अतरंजी खेड़ा वो है कि जहाँ पे उत्तरी वैदिक काल, ठीक है, उत्तरी वैदिक काल, हड़प्पा संस्कृति में तो कहीं लोहा के तत्व तो नहीं पाए गए, लेकिन वैदिक काल में, उत्तरी वैदिक काल में लोहा के अंश पाए गए थे। तो सबसे पहले कहाँ पाए गए थे, अतरंजी खेड़ा से ही लोहा के जो है तत्व तो मिले थे, ठीक है। बरेली है, बरेली की बात करें तो अच्छे लिखा है, अहिछत्री जो है, अहिछत्रित उत्तरी पंचाल की राजधानी थी, ठीक है, उत्तरी पंचाल की ये राजधानी थी। बदायूं, तो बदायूं शेख निजामुद्दीन औलिया की जन्मभूमि है, ठीक है। आपने निजामुद्दीन औलिया सुना ही होगा। जब मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें, तुगलक वंश था, तो निजामुद्दीन औलिया ने क्या है, 7 शासकों का शासन देखा। निजामुद्दीन औलिया ने 7 शासकों का शासन देखा, कहां पर, दिल्ली में। बजरंगी भाई जन मूवी देखेंगे तो उसमें जो मकबरा दिखाया गया है, दरगाह दिखाई गई है, तो शेख निजामुद्दीन औलिया की ही दिखाई गई है, ठीक है। तो शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था, तो बदायूं में। अब मकबरा कहाँ है, मृत्यु कहाँ हुई, तो जो है दिल्ली में, ठीक है। और अब्दुल कादिर बदायूनी की जन्मभूमि कहाँ, नाम से ही बदायूनी आ रहा, तो यहीं पर है, ठीक है। अब बात करते शाहजहांपुर, शाहजहांपुर की बात करें तो शाहजहांपुर से कौन, पंडित रामप्रसाद बिस्मिल आएंगे, जो 1800 जो 1900 25 में जो घटना घटी थी, काकोरी कांड, ठीक है, तो उससे रिलेटेड हो जाएंगे। शहीदों की नगरी कहे तो शाहजहांपुर। बांसखेड़ा ताम्रपत्र यहीं पर है, ठीक है। लखीमपुर खेरी में क्या है, तो सूरज भवन है, ठीक है। आगरा, आगरा की स्थापना किसने की, ठीक है, तो सिकंदर लोदी ने की। कब की, 1506 में, ठीक है, 1506 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किसने की, सिकंदर लोदी ने, लोदी वंश का, ठीक है। यहाँ पे क्या है, तो बुलंद दरवाजा है फतेहपुर सीकरी में, जोधाबाई महल है फतेहपुर सीकरी में, और शेख सलीम चश्ती की दरगाह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चश्ती हैं, चश्ती संप्रदाय के, जो अजमेर में है, ठीक है। एक उसकी भी आपको क्लास जो मिल जाएगी, ठीक है, गए थे वहाँ पे पर्यटन पर, टूरिस्ट प्लेस है, तो गए थे, तो आपको वहाँ की शेख सलीम चश्ती, ठीक है, शेख निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में, शेख सलीम चश्ती की दरगाह तो फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी में, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चश्ती गए हैं तो अजमेर में, ठीक है, इतनी अलग है। आगरा के किला है, ताजमहल है, सामूगढ़ है, और सिकंदरा, सिकंदरा क्या है, तो अकबर का मकबरा है, मतलब अकबर ने अपनी मृत्यु के पहले ही बता दिया था कि मेरा मकबरा यहाँ पे बनेगा, उसने खुद ही बनवाया था, कंप्लीट किसने किया, तो जहांगीर ने करवाया था, ठीक है। लखीमपुर खीरी हो गया था,
लिखा है कानपुर देहात, तो भीतर गांव एक मंदिर है जो गुप्त काल से है। ठीक है, कालपी की बात करें तो क्या है, तो कालपी जो है बेतवा नदी के किनारे है और जो बीरबल की जन्मभूमि है। ठीक है, जगन जगमनपुर किला है, झांसी का किला आपको, रानी लक्ष्मीबाई का आपको पता है। हाँ, दस्तावर मंदिर है जो प्रभु प्रभु विष्णु की 10 अवतार जो बताए गए हैं किस मंदिर में, तो ललितपुर में 10 अवतार जो है मंदिर है। ठीक, अब बात करते हैं कन्नौज। कन्नौज में आपको पता है कि जयचंद्र का किला है, तो जयचंद्र की बात आती है तो देशद्रोही किसको कहा जाता है, जयचंद्र को कहा जाता है, क्योंकि तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था तो पृथ्वीराज चौहान जीते थे, मोहम्मद गौरी हारा था। 1191 की बात, 92 की बात करें तो क्या हुआ था, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। ठीक है, और कहीं ना कहीं किसने बुलाया था, तो जयचंद ने ही बुलाया था। ठीक है, जयचंद कन्नौज के हैं और कन्नौज में जो है महर्षि, सॉरी फिर सीतापुर की बात करें तो नैमिष है और महर्षि दधीची की तपोभूमि भी है। ठीक है, और सीतापुर में ही एक जगह का नाम है लहरपुर। लहरपुर में किसका जन्म हुआ था, टोडरमल का हुआ था। ठीक है, जो किनके साथ में थे, अकबर के समय पर थे। और आज जो हम जमीन का लेखा जोखा देखते हैं तो सबसे पहले किसने शुरुआत की थी, तो टोडरमल ने, और टोडरमल शेरशाह सूरी के साथ में भी काम करते थे। ठीक है, अब आगे बात करते श्रावस्ती, तो लिखा है सहेत महेत। ठीक है, जेतवन विहार है और मलखी गौशाल की जन्मभूमि भी है। ठीक है, मखली गौशाल की जन्मभूमि भी है, और सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ पर दिए गौतम बुद्ध ने, तो श्रावस्ती है। और भारत में उत्तर प्रदेश में सबसे अनपढ़ कहाँ पे है, तो श्रावस्ती भी है। ठीक है, सिद्धार्थ नगर भैया कपिल वस्तु भी इसको कहा जाता था, बौद्ध स्पूत है और वंशी पैलेस भी है। ठीक है, सिद्धार्थ नगर, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था। ठीक है, सॉरी गौतम बुद्ध के पिता का नाम सिद्धोदन था, सिद्धार्थ क्या था, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर क्लियर हुआ। फिर बात करते हैं संत कबीर नगर, तो एक मगहर जगह जहाँ पे बात करें, मगहर एक जगह है, तो क्या हुआ था, यहाँ पे कबीर दास जी की क्या होती, मृत्यु हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं कुशीनगर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, तो गौतम बुद्ध का महापरायण है, यहाँ पे गौतम बुद्ध की क्या होती, मृत्यु होती है। जौनपुर की बात करें तो भैया जौनपुर गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, और गोमती कहाँ पे मिलती है, गंगा में, यहीं पे मिल जाती है जौनपुर में ही, तो यहाँ अटाला मस्जिद है, शाही पुल है और झंझारी मस्जिद भी है। ठीक है, शाही पुल गोमती में बना, झांझरी मस्जिद है और अटाला मस्जिद है। मोहम्मद बिन तुगलक का बचपन का नाम था जौना खान। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन का नाम था जौना खान, और जो है फिरोज शाह तुगलक ने अपने दादा के भाई के लिए, मतलब दादा के लड़के के लिए, मतलब बड़े भाई के याद में इस शहर की स्थापना की थी, और 600 से ज्यादा जो है 600 से ज्यादा शहरों की स्थापना किसने की, तो फिरोज शाह तुगलक ने, जैसे फिरोजाबाद है, फरीदाबाद है। ठीक है, ये सब जो है फिरोज शाह तुगलक ने स्थापना की। और सिराज ए हिंद, इसी को जौनपुर को कहा जाता है, क्योंकि जौनपुर में कहीं ना कहीं ईरान का शहर सिराज जैसी व्यवस्थाएं थी, इसीलिए इसको कहा जाता है। शेरशाह सूरी का जन्म भी यहीं पर हुआ था जौनपुर में। ठीक है, जौनपुर में सॉरी पढ़ाई की बात करें गाजीपुर में, तो गाजीपुर में भीतरी स्तंभ है जो गुप्त काल से, गाजीपुर में एक भीतरी स्तंभ है गुप्त काल से है, और कानवलिस का मकबरा कहाँ मिलेगा, तो यहीं पर, और अफीम फैक्ट्री एकमात्र कहाँ मिलेगी, तो गाजीपुर में, और गंगा नदी के किनारे। ठीक है, वाराणसी में सारनाथ। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट, इन सब जिलों की जो मैन मैन है उनकी अलग से बात करेंगे। चुनार,
चुर्क चुनार जो है यहाँ तो वे सीमेंट का काम भी होता है, मिर्जापुर में एक चुनार का किला भी है, प्रतापगढ़ तो सहसा सरसा है, राय है, ठीक है। कौशाम्बी की बात करें तो यहाँ बत राज था और घोषित की राम विहार है। यहाँ तो कौशाम्बी में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का संगम भी है, ठीक है। रायबरेली रामविलास पैलेस है, ठीक है। फतेहपुर सीकरी, सॉरी फतेहपुर एक जिला है, ये सीकरी अलग है आगरा में। फतेहपुर जो है तो का है खजुहा युद्ध स्थल, ठीक है। कलिंजर का किला आपको बांदा में मिलेगा, कैन नदी के किनारे है, चित्रकूट पैसनी नदी के किनारे है, ठीक है। बात करें लखनऊ, तो लखनऊ की तो हम प्रॉपर बात करेंगे, ठीक है। अवध की राजधानी या उत्तर प्रदेश की प्रेजेंट राजधानी, ठीक है। इतनी चीजें हैं जो हम देख चुके हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पीडीएफ तो मांग ही सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में प्रयागराज रह गया था, तो प्रयागराज में जो क्या करें तो क्या है, श्रृंगे श्रृंगे श्रृंगरपुर है, प्रयाग स्तंभ है जो है, हरि सिंह द्वारा प्रयाग स्तंभ की जो है स्थापना होती है, हर्षवर्धन के काल का है, ठीक है। अशोक ने भी इसमें लिखवाया, और जो है खुसरो का मकबरा भी है। भैया खुसरो कौन था, तो खुर्रम, शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था, खुर्रम का बड़ा भाई था जिसका नाम खुसरो था। इसने विद्रोह कर दिया था जहांगीर के खिलाफ, तो जहांगीर ने गरम करके सरिया जो है इनकी आंखों में डाल दी थी, इनकी माँ का और इनके दोनों का मकबरा कहाँ है, तो आगरा में, तो सॉरी प्रयागराज में है, ठीक है। आनंद भवन जहाँ पर जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था, और अनफ्रेड पार्क था उसका नाम जो है चंद्रशेखर आजाद पार्क कर दिया, ठीक है। प्रतिष्ठानपुरी है, ठीक है, झांसी। एक ये मैप कंप्लीट हो गया है, और जो स्थल है पर्यटक स्थल तो वो भी जो है देख लेते हैं, कहीं ना कहीं आए हैं। स्थल हैं जहां पे कोई ना कोई चर्चित व्यक्ति का क्या हुआ, जन्म हुआ है, ठीक है, तो ये भी देख लेते हैं। तो बुलंदशहर में किसका जन्म हुआ है, तो जियाउद्दीन बरेली का, जियाउद्दीन बरनी का जन्म कहाँ हुआ है, तो बुलंदशहर में हुआ है। निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ है, तो बदायूं में हुआ है। अमीर खुसरो जो है कासगंज में जन्म हुआ है, ठीक है। जियाउद्दीन बरनी है, निजामुद्दीन औलिया का मकबरा देखना है तो आपको दिल्ली जाना पड़ेगा, ठीक है। दरगाह है तो इनका बदायूं में जन्म हुआ है। और बात करें कासगंज जो है अमीर खुसरो की जो है जन्मभूमि थी, निजामुद्दीन औलिया के सबसे प्रिय शिष्य की बात करें कौन है, तो अमीर खुसरो है, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया की बात करें सबसे प्रिय शिष्य कौन है, तो अमीर खुसरो है। निजामुद्दीन औलिया ने चार सात शासकों का शासन देखा है, सात शासकों का दिल्ली में शासन देखा है, और अमीर खुसरो ने छह शासकों के साथ में काम किया, मतलब उनको सेवा प्रदान की है अपनी, ठीक है, इतना ध्यान रखती है। अब दोनों का जन्म कहाँ हुआ, उत्तर प्रदेश में। अब देखो ये गुरु है, अमीर खुसरो के गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया है, ठीक है। अमीर खुसरो के गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया, और निजामुद्दीन औलिया के गुरु का नाम क्या है, कभी पूछ ले तो क्या है, इनके बदायूं जाने कुछ ऐसा ही है, ठीक है। बदायूं में जिनका जन्म हुआ था, ये जो पहले हम बात कर चुके हैं तो वो ही है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसके बाद शाहजहांपुर, रोशन सॉरी अस्पातुल्ला खान, ठीक है, और राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह सोड़ी, भैया तीनों का जो नाम है
ठाकुर रोशन सिंह सोढ़ी, अशफाकुल्ला खान और जो हम राम प्रसाद बिस्मिल जो केस में थे काकोरी कांड में थे, ठीक है, काकोरी ट्रेन एक्शन में थे और सबको फांसी हुई थी। ठीक है, डोडरमल की जन्मभूमि तो भैया सीतापुर में लहरपुर में है। फिर लिखा है बेगम हजरत महल का जन्म अजीजन बेगम, ठीक है, अजीजन बेगम क्या है तो ये बेगम हजरत महल जैसी लगती थी, ठीक है, और अजीजन बेगम का जन्म कहाँ पर हुआ था तो लखनऊ में हुआ है। ठीक है, उन्नाव में किसका जन्म हुआ है तो हसरत मुहानी का जन्म हुआ है कहाँ पे, हसरत मुहानी का जन्म हुआ है कहाँ पे तो उन्नाव में हुआ है। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म कहाँ हुआ तो उन्नाव में हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं कि राजेंद्र लाहौड़ी को फांसी दी गई थी तो कहाँ पे दी गई थी, गोंडा जिले में। ठीक है, सीतापुर की जेल में जो है राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी और इलाहाबाद की जो है जेल में किसको दी गई थी तो अशफाकुल्ला खां को दी गई थी। ठीक है, रोशन सिंह सोढ़ी को फैजाबाद की जेल में अशफाकुल्ला खां को दी गई थी। ठीक है, रोशन सिंह सोढ़ी को जो है इलाहाबाद की जेल में, सबको अलग अलग दी गई थी फांसी। बात करते हैं अशफाकुल्ला खां, देखो अयोध्या प्रेजेंट में इससे पहले जो क्या था इसका नाम था फैजाबाद, तो अशफाकुल्ला खां को फांसी कहाँ पर दी गई, अयोध्या में, गोंडा में दी गई। राजेंद्र लाहौड़ी को अम्बेडकर नगर राम मनोहर लोहिया का जन्म हुआ तत्कालीन जो फैजाबाद था उस समय पर, ठीक है, उसी से अलग हुआ। गोरखपुर में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई, सॉरी सीतापुर में, गोरखपुर में था। अब इसके ऊपर जो हम बात करें तो बाण भट्ट जो कौन थे तो ये भैया आपको कहाँ पर मिलेंगे, हर्षवर्धन के कोर्ट में मिलेंगे। ठीक है, सर सैयद खान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक, तो इनकी कर्म भूमि क्या है, अलीगढ़ है। शेख सलीम चश्ती की दरगाह आगरा में। शेख फैजी और अबुल फजल दोनों भाई थे। ठीक है, अकबरनामा किसने लिखी तो अबुल फजल ने, और शेख फैजी यही जो है इलाही धर्म लाया था। ठीक है, अब बात करते बीरबल का जन्म कानपुर में है। रानी लक्ष्मीबाई की कर्म भूमि जो है झांसी है, जन्म स्थल कहाँ पे है तो वाराणसी है। ठीक है, अलाउद्दीन का जो जन्म हुआ कहाँ पे हुआ तो ये महोबा में। ठीक है, महोबा जो 1992 तक किसका पार्ट था तो हमीरपुर का था और 1992 के बाद जो किसका जो है उसको अलग कर दिया गया। ठीक है, महोबा को बात करते हैं फतेहपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म हुआ तो जो है जीएस विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी एयरपोर्ट कहाँ पे है तो कानपुर में। ठीक है, लिखा है मलकुत दास का जन्म कहाँ हुआ तो कड़ा मानिकपुर में हुआ। ठीक है, कड़ा मानिकपुर भैया ये जो कहाँ पे पड़ेगा तो कौशाम्बी लिखा है। ठीक है, तुलसीदास जी का जन्म कहाँ पे हुआ तो ये भैया अब प्रेजेंट में चित्रकूट में, पहले तो बांदा में था, राजापुर ग्राम में। ठीक है, कानपुर, ठीक है, कानपुर में नाना साहब का, और अजीजन बेगम जिन्होंने जो है 1857 का जो है विद्रोह किया था तात्या टोपे, अजीजन बेगम और नाना साहब ने। ठीक है, अब बात करते प्रयागराज में किसका जन्म हुआ तो मदन मोहन मालवीय का जन्म हुआ। ठीक है, मदन मोहन मालवीय काशी बीएचयू की स्थापना के संस्थापक कौन है, मदन मोहन मालवीय है। 1920 में यहाँ पे इन्होंने सर सैयद अहमद ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, मेजर ध्यानचंद भैया हॉकी के जादूगर बोला जाता है और इन्हीं की जन्म जो होता 29 अगस्त को जो है खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू का जन्म भी प्रयागराज में, मोतीलाल नेहरू की कर्म भूमि है लेकिन जन्म भूमि मोतीलाल नेहरू की क्या थी तो जम्मू कश्मीर है। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद शहीद स्थल कहाँ पे है तो आपको कहाँ मिलेगा, प्रयागराज में। ठीक है,
अब बात करते हैं गौतम बुद्ध का महापरायण कहाँ था, तो कुशीनगर में। रामकृष्ण बिस्मिल को फांसी कहाँ कर दी गई, गोरखपुर में। अब बलिया की बात करें, भैया बलिया ऐसी जगह जहाँ से उत्तर भारत गंगा नदी कहाँ निकलती है उत्तर प्रदेश के बाहर, तो बलिया से, ठीक है। बलिया में मंगल पांडे का जन्म हुआ, और मंगल पांडे कौन थे, 1857 की पहली चिंगारी बात करें जिसने विबुल फूका चर्बी वाले कारतूस को और हडसन बॉब और हडसन को गोली मारी, किसने, मंगल पांडे ने। तो 29 अप्रैल को शायद जो है इनको फांसी दी दी गई थी, ठीक है, मंगल पांडे ने। चित्तू पांडे जो 1942 में जो है स्वतंत्रता सरकार की स्थापना की थी चित्तू पांडे ने, ठीक है। वाराणसी पंडित रविशंकर का जन्म हुआ, पंडित रविशंकर का जब नाम आता है तो एक सितार आता है, ठीक है। सितार वादक कौन थे, तो पंडित रविशंकर थे जिनका जन्म वाराणसी में हुआ। वाराणसी की बात करें तो मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ, बहुत फेमस है। फिर मुंशी जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ, भारतेंदु हरिश्चंद का जन्म हुआ, ठीक है। और किसका जन्म हुआ, तो उस्ताद बिस्मिल्ला खां का जो है, उस्ताद बिस्मिल्ला खां की कर्म भूमि है। बिस्मिल्ला क्या थे, सहनाई बजाते थे, ठीक है। बिस्मिल्ला खां जो है सहनाई बजाते थे। कबीर का जन्म कहाँ हुआ, तो भैया यहीं पर वाराणसी में हुआ। मृत्यु कहाँ हुई, तो मगहर में हुई थी, संत कबीर नगर। यहाँ पे काशी में जन्म, यहाँ पे मगहर में जो मृत्यु हुई। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया, तो सारनाथ में, ठीक है। रैदास का जन्म कहाँ हुआ, तो रैदास का जन्म भी वाराणसी में हुआ। और गिरजा देवी ठुमरी की गायिका थी, इनका जन्म कहाँ हुआ, तो वाराणसी में हुआ, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई का, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कहाँ हुआ, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म जो है मुगल सराय में हुआ। मुगल सराय में पंडित दीनदयाल की मृत्यु हुई, और ये कहीं ना कहीं वाराणसी के पास में ही पड़ता है, ठीक है। अब मुगल सराय का नाम बदल कर क्या कर दिया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से हमने जो है बहुत सारी चीजें देखी, ठीक है। अब इसके बाद में जो है एक एक क्वेश्चनों पे चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चनों के आंसर आपको देना है, और ये सारे आंसर जो है, इसके क्वेश्चन आंसर जो पीडीएफ लास्ट में लगे हुए आप देख सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन की तो मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ, आगरा शहर की स्थापना किसने की, ठीक है। पीसीएस 2004 में आया है, ठीक है, पीसीएस 2004 में आया है, और पूछा है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, तो बहलोल लोधी, भैया बहलोल लोधी है लोधी वंश का संस्थापक है, ठीक है। दिल्ली दिल्ली साम्राज्य या दिल्ली डायनेस्टी का अंतिम शासन कौन थे, पांच जो थे ना, जैसे गुलाम वंश है, खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, लोधी वंश है, ठीक है। तो अंतिम शासन किनका था, लोधी का। तो फिरोज शाह तुगलक, भैया तुगलक वंश का, खिलजी खान, ठीक है, खिलजी खान है लोधी वंश का, बहलोल लोधी है। सिकंदर लोधी ने जो है 1506 में जो है आगरा शहर की स्थापना की, ठीक है। इसका आंसर डी था पहले का, इनके सारे के आंसर जो है आपको अंत में मिल जाएंगे। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, और 2000 यूपी पीसीएस 2003 में आया है, कहाँ किया था, तो एक थानेश्वर लिखा है और बल्लभी लिखा है। तो भैया थानेश्वर तो एमपी में पड़ता है, और बल्लभी सॉरी महाराष्ट्र में थानेश्वर है, और बल्लवी जो है कहाँ पे, तो बिहार में, यहाँ पे नहीं हुई, प्रयाग थानेश्वर में नहीं हुई, बल्लवी प्रयाग में नहीं, तो कन्नौज, कन्नौज उत्तर प्रदेश में, और प्रयाग में जो है
जो धर्म महान दो स्थापना की थी। ठीक है, अब बात करें, कभी पूछ ले कि कुशी नारा क्या है, या वर्तमान में कुशी नगर, ठीक है, और ये कुशी नगर की राजधानी क्या थी। ठीक है, कुशी नगर की जो हम बात करें कि राजधानी क्या थी,